अयोध्या में रामलला के आगमन की घड़ी नजदीक है। कल होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी नगरी को आध्यात्मिक रंग दे करके सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर की छटा देखते ही बनती है। इसरो ने अयोध्या की सैटेलाइट तस्वीर शेयर की है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय क्रिकेटर, मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, संत और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को न्योता मिला है। अब भारत समेत दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घड़ी पर टिकी हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। उधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा। मेहमानों को 10:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करना होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। यह कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में होगा। शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। इस दौरान 150 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य और 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं को भी उपस्थित होगी। पीएम मोदी सरकार को 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे तो सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट और 10:55 पर राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद 1 बजे प्रस्थान कर सभा को संबोधित करेंगे। 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन कर दिल्ली लौट जाएंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, महज अब कुछ ही घंटे शेष हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, क्या माहौल है? धन्यवाद निशु। देखिए, अयोध्या में जो कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर के पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या की सड़कें पूरी तरह से राम नाम से पट गई है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे राज्य हो और खास करके कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या को दुल्हन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ राम को ये हिदायत भी दी गई है कि आप 23 फरवरी तक अयोध्या, इसके बाद भी हम चूंकि परिसर में प्रवेश भी पाबंदी है, हम हनुमान जी में पवित्र हनुमान मंदिर में मौजूद की ठंड है, मौसम की मार है, लेकिन इसके बाद भी राम पकड़ी पकड़ी जो कशिश डेवलपर है ये दिखा रहे हैं, ये जो चुनरी है देवरा बाबा परम पूज्य श्री देवरा बाबा 1989 में ही उन्होंने
था, सभासद साधुओं संतों का हुआ था प्रयागराज, यहाँ पे 1900 सरजू में बह जाई, और उन अभी जो वर्तमान में है ब्रह्मजी पंचतीन है, वो अभी 1992 मार्च में ही उन्होंने बता दिया था, ये जो जिसमें 84 दोहा है कि राम जन्म भूमि अवध भूमि जन्म ये राम की है, राम की ही रहेगी। इसमें हम लोग गायन भी किए थे 2010 में जब अशोक सिंघल जी मोइनुल हक पटना स्टेडियम में आए थे। लड्डू का भोग 1111 मन परम पूज्य ब्रह्म बेता श्री देवराहंस बाबा जी की लगवाया, छोटी पूरा वो पैकिंग करके आप बताइए यहाँ आए कैसा लग रहा है? दीप अच्छा लग रहा, भव आत्मा से कल ऐसा लग रहा है कि 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में रही है सभी राम भक्तों सनातनियों एवं पूरे ब्रह्मांड के हिंदुओं का, खासकर इसके लिए ये अविस्मरणीय दिन है। और हम आज हनुमानगढ़ी में जो भगवान हनुमान जी यहाँ पे यहाँ के अयोध्या के राजा हम दोहा पढ़ते हैं ना कि मंगल मूर्ति हनुमान जी ने श्री राम लला को सारे दुखों को सारे कष्टों को हर लिया है। और मैं आह्लादित हूँ, पूरी अयोध्या आह्लादित है, पूरा विश्व पूरा ब्रह्म आह्लादित है। क्या कहेंगे आप? मैं झारखंड रांची से हूँ, पूरी अयोध्या आह्लादित है, पूरा विश्व पूरा ब्रह्म आह्लादित है। क्या कहेंगे आप? मैं झारखंड रांची से हूँ, आके बहुत खुशी हो हंस वाह परिवार से हैं, हंस परिवार से। और तभी पकड़ लेकर आए थे फोटो, कौन सा बढ़िया इसका विषय है कि हमारे परम पूज्य की वाणी सत्य हुई, उन्होंने 1992 में जो वाणी इस पे लिखी स्पष्ट किया था का निर्माण होगा, वाणी में ही लिखा था कि का ठौर वही है और वहीं पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो ये भविष्यवाणी उनकी सत्य हुई हमारे लिए बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि परमवेत्ता श्री का कल आने सारे देशी लोगों के साथ सभी को एक एक थैला दे के प्रसाद दे के उनको सम्मानित। मैं धनबाद से आया हूँ, धनबाद झारखंड, इतने जगमाही और हमारे गुरुदेव की हुई है बस। मेरा नाम पवन हुआ, मैं देवरा हंस बाबा का भक्त, और देवरा हंस बाबा ने आज के समय भी 551 मन लड्डू का भोग लगवाया था और आज 1151 मन लड्डू भोग पहले सिंघल जी हुआ जी संसरण चार दिया था कि राम का मंदिर बने, कायदा भारत के लोग विश्व के बात। ये जो जिन्होंने ये चर्चा किया, ये जो शैतान ये सिर्फ लड्डू ही नहीं है, ये उनका आशीर्वाद और एक सिद्ध योगी सिद्ध योगी की संकल्प की सिद्धि हुई है। दर्शन करने आज कोई युग बात कही जी